फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। वी आर बैक अगेन विद द हिंदू एनालिसिस फॉर 6th of July 2019। और डिस्कशन शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इनका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डार्क स्काई रिजर्व इज ऑफन सीन इन द न्यूज इज ए एन एरिया इन स्पेस विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बी एन एरिया केप्ट फ्री ऑफ लाइट पोल्यूशन, सी एन एरिया ऑफ हाई ओजोन लेयर डिप्लीशन, डी एन एरिया विथ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज TSR सुब्रमण्यन कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज, ए टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, बी टू रिव्यू मॉडल्स ऑफ PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सी टू सजेस्ट अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या डी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन इलेक्शन प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे इज द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, या फिर डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं और आज का पूरा हमारा पेपर है वो बजट के ऊपर आया हुआ है। कल जो है 5th of July को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट प्रेजेंट किया। तो अब हम लोग थोड़ा सा बजट के बारे में देखें क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन समझ लेते हैं कि बजट कब शुरू हुआ था और इस टर्म की शुरुआत कहां से होती है। सो वर्ड बजट हैज इट्स बिगनिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज बिगनिंग फ्रॉम द मिड 18th century। और ये शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द बुगेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है लेदर बैग। एंड पहले जो बजट प्रेजेंट किए जाते थे उसमें क्या होता था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था वो लेदर बैग से निकाला जाता था एंड आफ्टर दैट इट वॉज प्रेजेंटेड। एंड आज से पहले, इस बजट से पहले इंडिया में भी ऐसा होता आया था, पर अभी जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया है वो लाल कपड़े के बैग में आया था बजाय कि लेदर बैग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे बजट के बारे में कि शब्द की शुरुआत कहाँ से होती है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 प्रोवाइड्स फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखेंगे हम लोग कि कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पॉपुलरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज बजट। तो बजट का एसेंशियली क्या मतलब होता है कि पिछले साल अमूमन कितना खर्चा हुआ उसका एस्टिमेट, एंड प्रेजेंट ईयर में गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी या लगाएगी, एंड उस कहाँ से पैसा आएगा उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि बजट में जो है वो आर्टिकल 112 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर द टाइटल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बजट में जो है वो तीन तरह का डेटा होता है। पहला तो है एक्चुअल डेटा विच इज फॉर द प्रिसीडिंग ईयर, मतलब अगर बजट 2017-18 का प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसमें एक्चुअल डाटा किस साल का होगा, 2015-16 का, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है प्रोविजनल डेटा जो कि मतलब एक साल पीछे का होता है, जैसे अगर बजट 2017-18 का प्रेजेंट किया जा रहा है तो प्रोविजनल डेटा किस साल का होगा, 2016-17 का, एंड एक्चुअल डाटा मैंने बताया किसका होगा, 2015-16 का। एंड जो एस्टिमेट है, बजटरी एस्टिमेट्स हैं, वो किस साल के लिए होंगे, वो कमिंग ईयर्स के लिए होंगे, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग ईयर। जैसे अभी का जो बजट प्रेजेंट किया गया है 2019-20 के लिए, तो बजटरी एस्टिमेट्स जो हैं वो इसी साल के लिए होंगे 2019-2020। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन बजट के बारे में। अब पार्लियामेंट में जब बजट पेश होता है तो उसके एक्चुअली 6 stages होते हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट जो कल हो गया, देन देयर विल बी अ जनरल डिस्कशन, देन देयर इज स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, फोर्थ स्टेज इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, फिफ्थ इज पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, एंड देन सिक्स्थ इज द पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो जो फाइनल स्टेज होता है बजट का, दैट इज पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। तो इन 6 stages को हम लोग ध्यान रखेंगे, UPSC में कई बार इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करवाया जा सकता है। तो सबसे पहला कौन सा है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, सेकेंड कौन सा है, जनरल डिस्कशन, थर्ड कौन सा है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, फोर्थ कौन सा है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, फिफ्थ वन इज पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, एंड सिक्स्थ वन इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे बजट के प्रोसेस के बारे में, 6 stages। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा इस बार का बजट है, अगर हम उस पर बात करें किन एरियाज पे की फोकस किया गया है, तो आज के पूरे पेपर में जो डिस्कशन होगा वो इन्हीं के अराउंड होगा। सबसे पहला जो फोकस रखा गया है, डेट इज ऑन मेकिंग इंडिया $5 trillion इकोनॉमी बाय 2024, जो कि नीति आयोग की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें भी बोला गया था। इसके अलावा इंडिया की जो अभी प्रेजेंट इकोनॉमी है डेट इज एट $2.7 trillion, तो इसको $5 trillion तक कैसे ले जाया जाए उसके ऊपर फोकस किया गया है।
दूसरा जो फोकस है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है कि बैंक्स को 70,000 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे ताकि वो लेंडिंग कर सके, लेंडिंग कर सकेंगे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आएगी तो बिजनेसेस प्रमोट होंगे, बिजनेस प्रमोट होंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो खुशहाली आएगी, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो लॉजिकल सिक्वेंस है डेट इज रिलेटेड टू बैंक्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू विच हैज बीन डेल्ट इन द बजट इज रिलेटेड टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कि उनकी सिचुएशंस कैसे इंप्रूव की जाए, उनके और रेगुलेशन कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के। तीसरा जो फोकस रहा है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर रहा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस किया गया है, ट्रैक्स ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए उसके ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स आज के पूरे पेपर में हम लोग देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं, यहाँ पे अगर आप ये वाले पॉइंट्स को पढ़ लें शुरुआत में ही, टैक्सेशन, सोशल सेक्टर एंड इंडस्ट्री में क्या क्या रिबेट्स दिए गए हैं, तो लगभग इन्हीं के अराउंड पूरा का पूरा आज का पेपर रिवॉल्व करता है। तो जीएसटी में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में को में जो जीएसटी रेट था उसको 12% से घटा करके 5% कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल थी डेट हैज बीन हाइक्ड बाई ₹1 एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि ऐसी कंपनीज जो 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती हैं या 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालती हैं बैंक से, उनके ऊपर 2% का TDS लगाया जाएगा, ठीक है। एंड कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को जो है वो 30% से घटा करके 25% पे ला दिया गया है ऐसी सारी कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब है अराउंड 99.3% ऑफ द इंडियन कंपनीज हैव बीन कवर्ड। तो 99.3% इंडियन कंपनीज का जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ के अंदर है एंड उनका जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है डेट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30% टू 25%। जो ग्लोबल एवरेज कॉरपोरेट टैक्स रेट है वो 23% का है, तो उसके अराउंड अपन अब पहुंचने लगे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये तो टैक्स इंसेंटिव्स हो गए। दूसरा, सोशल सेक्टर में क्या किया गया है, सोशल सेक्टर्स में पेंशन बेनिफिट टू 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स, इसको लेकर के जो स्कीम लॉन्च की गई है उसको हम लोग अंदर देखेंगे। दूसरा, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंटरेस्ट सबवेंशन था वो बढ़ाया गया है और एक वन एवरी वन वुमेन अंडर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख अंडर मुद्रा। इसके अलावा जो LPG कनेक्शंस फ्री में दिए जा रहे थे उज्ज्वला योजना में, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड नाउ टू 8 करोड़ मोर फैमिलीज एंड लेबर लॉज विल बी रैशनलाइज्ड इनटू 4 लेबर कोर्स। तो ये सोशल सिक्योरिटी को लेकर के था। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के केस में बोला गया है कि अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा बजट इस बार डील करता है। तो हम लोग अब आज का सबसे पहला आर्टिकल ये देख लेते हैं। इसमें एसेंशियली जो है यहाँ पर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रेगुलेशन के ऊपर बोला गया है। तो मैंने आपको बताया कि बैंक्स को रीफाइनेंस करने के लिए 70,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। इसके जरिए क्या होगा, जो बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ेगी, बैंक्स लोन दे पाएंगे, लोन से बिजनेस फ्लरिश करेंगे एंड देन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमीज कुड बी सॉल्व। दूसरा, यहाँ पे बताया गया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो रेगुलेशन है वो टाइटन किया जाएगा। अभी तक क्या था, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी उनका रेगुलेटर कौन था, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। अब गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रपोज किया है कि इंस्टेड ऑफ नेशनल हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विल बी रेगुलेटेड बाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है। दूसरा, RBI को ये पावर भी दी गई है कि अगर उनको लगता है कि एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज नॉट बीइंग रन इन अ फेयर मैनर, या फिर इससे क्रेडिटर्स या डेबिटर्स का नुकसान हो सकता है या डिपॉजिटर्स का नुकसान हो सकता है, सो RBI विल हैव द पावर टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ NBFC। तो जो NBFC की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको सुपरसीड करके RBI अपने हिसाब से 5 सालों तक उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चला सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाला हो गया, तो सो दैट्स ऑल दैट वाज गिवन इन दिस आर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वहां पर इस पार्ट पे फोकस किया गया है कि इस बजट में जो है वो SC ST एंड वुमेन्स के ऊपर फोकस किया गया है। तो एक तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग दी गई है कि नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन दीज थ्री सेगमेंट्स, ठीक है। तो जो वुमेन का बजट एलोकेशन है डेट हैज बीन इंक्रीज बाय 10%, शेड्यूल कास्ट का 30% एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स या जो भी स्कीम्स हैं उनका बजटरी एलोकेशन जो है वो 25% बढ़ाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक यो लिखा बताया गया है कि हाउ दिस प्रेजेंट बजट वॉज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट
बजट एज अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था, बट शी वॉज प्राइम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। बट निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट ऑन हर ओन एज अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस बार जो बजट स्पीच थी उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कितना एलोकेशन दिया गया है, क्या क्या फंड्स दिए गए हैं, उनको रीड आउट नहीं किया गया है। उनको बोला गया है कि दे हैव बीन अटैच्ड एज एन एनेक्सर, तो वो आप वहां से रीड कर सकते हैं। दूसरा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार का जो बजट के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे डेट वर ब्रॉट इन रेड बैग इंस्टेड ऑफ रेड लेदर बैग, तो कपड़े का बैग था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट एज अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो एडिशनल पोर्टफोलियो नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां से। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। यहां पे एक फैक्ट हाईलाइट किया गया है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डायरेक्टली याद रखिएगा एंड नोट्स में भी लिख लीजिएगा कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय ओवर 78% टू 11.37 लाख करोड़ इन द लास्ट 5 years, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेके बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, इसलिए ये फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर द लास्ट 5 years इट हैज इंक्रीज बाय ओवर 78% टू 11.37 लाख करोड़, ठीक है, तो ये फैक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है वो ये हाईलाइट किया गया है कि बजट में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो बहुत ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो लोग 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं उनके उनके टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज लगाया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो हायर क्लासेस हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो हाई मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनके जरिए आप पैसा इकट्ठा करके वो गरीबों को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। और इसका दूसरा फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट को पॉलिटिकल मैसेजिंग भी जाएगी लोगों के पास कि गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के साथ खड़ी है और हाई मतलब जो रिच लोग हैं, रिचर गवर्नमेंट इज टैक्सिंग रिच पीपल, तो वो एक मैसेजिंग जाएगी। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स रेट है उसको कम किया है फ्रॉम दैट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 30% टू 25%, तो उसके जरिए जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको कवर अप करने के लिए ये यूजफुल होगा कि यहां से आप जो पैसा आएगा उसको टैक्स कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा टैक्स का। अब होता क्या है कि जब किसी का टैक्स असेसमेंट किया जाता है और उसको इनकम टैक्स को ऑफिसर बुलाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट एंड ब्राइब टेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है टैक्स ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए, दे हैव गॉन फॉर इलेक्ट्रॉनिक फेसलेस असेसमेंट कि इसमें पर्सन को नहीं पता होगा कि मेरे को कौन से इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी नहीं पता होगा कि उन्हें किसे नोटिस भेजना है, ठीक है। तो उस दोनों के बीच में कंप्यूटर विल डिसाइड कि किसका कौन ऑफिसर होगा एंड किसका असेसमेंट गलत है या किसने अपना टैक्स फाइल नहीं किया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है टैक्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो यहाँ पर हमारा दूसरा आर्टिकल है इस पेज पर, उसमें पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जो सेसेस लगाए गए हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है कि पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर ₹2 per liter बढ़ा दिया गया है। अब इसमें सेसेस में फ़ायदा क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जब आप लोग उसका क्रिटिसिज्म लिखें तो इस एक पॉइंट को जरूर हाईलाइट करें कि सेसेस एंड सरचार्जेस के जरिए सेंटर अपना रेवेन्यू तो बढ़ा लेता है लेकिन स्टेट्स के ऊपर इसका एक्स्ट्रा बोझ पड़ता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जरूर हाईलाइट करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। इसके बाद यहाँ पर एक गवर्नमेंट का जो नया इनिशिएटिव है उसको हाईलाइट किया गया है कि नाउ आधार कुड बी इंटरचेंज विथ पैन फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न। पहले क्या होता था कि अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपके पास पैन होना जरूरी है, पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। अब थोड़ा सा यहाँ पर पैन के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ 10-digit अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 10-digit अल्फा न्यूमेरिक नंबर है विच इज इशूड बाई द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर इट और टू होम द डिपार्टमेंट अलॉट्स द नंबर विदाउट एन एप्लीकेशन। तो दोनों कंडीशन में जो लोग भी टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर जरूरी हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो इशूड टू फॉरन नेशनल्स सब्जेक्ट टू वैलिड वीजा। तो ये फॉरन नेशनल्स को भी परमानेंट अकाउंट नंबर यूज किया जा सकता है एंड यही कारण है कि परमानेंट अकाउंट नंबर इज नॉट यूज एज अ सिटीजनशिप आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है इसको, मेजरली गाइड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एंड अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि आप आधार के जरिए भी अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको पैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैन रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब जो लोग आधार के जरिए अपना डिटेल्स देंगे गवर्नमेंट के पास, उनका पैन गवर्नमेंट खुद इशू करके उनके पास भेज देगी, ठीक है। तो ये प्रपोजल रखा गया है, सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आधार एंड पैन कैन बी इंटरचेंज फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स के बारे में। इसके बाद आगे आ जाते हैं, यहां पर एक न्यूज है एंजल टैक्स नॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी तक क्या होता था कि जो जो कंपनीज नए स्टार्टअप्स हैं उनके पास जो पैसा आता था एंड उसके ऊपर भी एक टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो डेट टैक्स वॉज एसेंशियली रेफर्ड टू एज एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक नया स्टार्टअप शुरू होता है, ठीक है, उसमें लोग पैसा लगाते हैं, वो पैसा लगाएंगे तो किसी उसकी मतलब कीमत पे लगाएंगे या उसके शेयर्स खरीदेंगे या उसके अंदर शेयर होल्डिंग करेंगे अपनी की, ठीक है, एंड उन शेयर्स की कुछ कीमत होगी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इन शेयर्स को जानबूझ करके कम रेट पे बेचा गया है या उस स्टार्टअप का जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है और उसको कम रेट पे उन शेयर्स को इन्वेस्टर द्वारा खरीदा गया, तो उस डिफरेंस के बीच में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंजल टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है फेयर मार्केट वैल्यू में उस शेयर की कितनी कीमत है एंड कितनी कीमत पे खरीदा गया, उनके बीच के जो डिफरेंस है उसको एंजल टैक्स बोला जाता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो एंजल टैक्स को समाप्त करने का यहाँ पे काम किया है इस बजट में, ठीक है, कि अब एंजल टैक्स के जरिए जो स्टार्टअप्स को दिक्कत होती थी उसको वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नया नॉर्म लाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एमएसएमई को हाईलाइट किया गया है कि एमएसएमई के लिए जो टैक्स लिमिट है डेट हैज़ बीन ब्रॉड डाउन टू 25%। तो जो 400 करोड़ से कम की कंपनीज हैं उनका जो कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया गया है उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एमएसएमई किस मतलब किस बेसिस पे और कितने टर्नओवर पे डिसाइड किया जाता है। तो एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया में गुड्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपने अपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे कितना इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको एमएसएमई का स्टेटस दिया जाता है। तो फॉर गुड्स सेक्टर अप टू 25 लाख का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज। From 25 lakh to 5 crore, it is considered as small enterprise and from 5 crore to 10 crore, it is considered as medium enterprises. ये goods sector की बात है। अगर services sector की बात करें so investment up to 10 lakh is considered as micro enterprise and from 10 to 2 crore, 10 lakh to 2 crore, it is considered as small enterprises and from 2 to 5 crore, it is considered as medium enterprises, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर micro, small and medium enterprises के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहले हम लोग फिस्कल डेफिसिट समझ लेते हैं, किसी भी गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई एंड उसने कितना एक्सपेंडिचर किया उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया में एसेंशियली क्या होता है कि अमूमन हमारा खर्चा ज्यादा होता है और हमारी इनकम कम होती है, ठीक है। तो इसको जो है इस कारण से हमारा हमेशा फिस्कल डेफिसिट चलता रहता है। सो अब जो इसका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है डेट हैज़ बीन ब्रॉड डाउन फ्रॉम 3.4% टू 3.3%। तो गवर्नमेंट का टारगेट कितना है ये फैक्ट एज इट इज याद रखना है। यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का 2019-20 के लिए वो कितना है 3.3%, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड इसको कम क्यों किया गया है, जो इंटरिम बजट पेश किया गया था उसमें टारगेट था 3.4%, लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू साइड से इनकम है डेट हैज़ इंक्रीज बाई ₹6,000 करोड़, इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल इंक्रीज। सो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 3.3% रखा गया है। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट से किसी भी देश की सरकार ने कितना उधार ले रखा है, हाउ मच लोन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी नेशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फिस्कल डेफिसिट, एंड इसको फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए इसको लेकर के कमिटी बनी थी एनके सिंह कमेटी, ठीक है। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM एक्ट के ऊपर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना हो उसको लेकर के जो कमेटी बनी थी वो ध्यान रखेंगे हम लोग, उसका नाम था एनके सिंह कमेटी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू बॉन्ड प्राइसेस राइज आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच। तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बजट में कि अब हम लोग बाहर से पैसा लेंगे, मतलब अब एक्सटर्नल कंट्रीज से भी लोन लिया जा सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेस को टारगेट किया जा सकता है, बिकॉज इंडिया सोवरिन डेट टू जीडीपी इज अमंग द लोवेस्ट एट लेस देन 5%। ठीक है, तो इसके जरिए बॉन्ड प्राइसेस क्यों बढ़ गए, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो इंटरनली जो है वो पैसा ज्यादा लेने का जुगाड़ नहीं करेगी। तो हम लोग फैक्ट प्रिलिम्स के हिसाब से ध्यान रखेंगे कि ऐसा पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर देन बॉन्ड प्राइसेस विल राइज, बॉन्ड प्राइसेस विल डिक्रीज या बॉन्ड प्राइसेस विल रिमेन एट द सेम लेवल। तो ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इट विल बोरो फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर देन बॉन्ड प्राइसेस यूजली राइजेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नली लोन लेने लगेगी तो उसका फायदा क्या होगा कि जो इंडिया में जो लोन है वो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो प्राइवेट होता क्या है कि अब अगर बैंक के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है एंड गवर्नमेंट उसमें से 90,000 ले लेगी, तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या बाकी जनता है उसके पास पैसा कम बचेगा। अब अगर ऐसा हो कि 1 लाख रुपए में से गवर्नमेंट जो है वो 10,000 ले, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेट कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स बजट में अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहला तो हम लोग देख चुके हैं कि जो भी कंपनीज जो हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल करती हैं तो उनके ऊपर 2% का TDS लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, दे विल बी अलाउड टू यूज़ डिजिटल पेमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिनका 50 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है वो भीम UPI या फिर NEFT RTGS ये सब जो है उनको 0 रेट पे दिया जाएगा। अभी क्या है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाता था और बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते थे, उन सारों को रिमूव कर दिया गया है सो डैट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इम्प्रूव। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कैशलेस फ्यूचर के बारे में। नाउ अब यहाँ पे बोला गया है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है गवर्नमेंट का इस साल कितना है, 1.05 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एन एसेट और सब्सिडरी। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में अपने जो इसके स्टॉक्स हैं या उसके जो एसेट्स हैं उनको सेल करती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्यों करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो LPG मॉडल हमारे यहाँ चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि वो बिजनेस करे। ठीक है, गवर्नमेंट का जो एसेंशियल काम है वो फैसिलिटेटर का काम है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, ये नहीं कि वो खुद उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले जो है 1947 टिल 1991 गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में था एंड बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता था। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी इस साल के लिए टारगेट रखा है कि वी वुड सेल द एसेट्स अराउंड ₹1.05 लाख करोड़। अब इसमें जो सबसे बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो एयर इंडिया को लेकर के रखा गया है कि एयर इंडिया को बेचना है। ठीक है, अब हालांकि उसके लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बट जो अभी टारगेट सेट किया गया है दैट विल बी एट ₹1.05 लाख करोड़। दूसरा जो इस बार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट ने यह बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अवर शेयर विल बी डिप्ड बिलो 51%। तो 51% से नीचे भी गवर्नमेंट का शेयर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ले जाया जा सकता है। अब होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी PSUs हैं जहां पे गवर्नमेंट का शेयर 51% है, फिर LIC के पास भी 11% शेयर है, फिर ONGC ने भी कुछ खरीद रखा है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं प्लस गवर्नमेंट है उनका जो शेयर है वो 70-80% हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर जरूरत लगेगी तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो 50% से कम कर देगी। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में। अब GS3 में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या सही है या नहीं। ठीक है, तो इसको लेके आप लोग अपना मेंस में आंसर तैयार रखिएगा कि वेदर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज राइट और नॉट, इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहां से। इसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू NBFCs। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो रेगुलेशन है उसमें RBI का अब ग्रेटर रोल होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि पहले नेशनल हाउसिंग बोर्ड उनको रेगुलेट करता था, नाउ डैट विल बी रेगुलेटेड बाई RBI। तो ये न्यूज़ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी बॉडीज़ में पूछा जा सकता है आपसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो रिमेंबर डैट RBI इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज,
यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताया गया है कि एग्री बजट में एग्रीकल्चर को जो है वो बहुत कम स्पेस दिया गया है, एंड फार्मर्स जो हैं वो इससे काफ़ी निराश हैं। ठीक है, थीके? तो अब यहाँ पे बजट में जो है वो ई नैम के ऊपर फोकस किया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है जहाँ पर आप देश की किसी भी मंडी से अपना कोई भी सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, या कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग ई नैम के बारे में। पहले क्या होता था कि हर जगह की मंडी का अलग अलग रेगुलेशन होता था एंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो बैठती थी, एंड ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो ऑल इंडिया मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते थे, एंड इसका नुकसान ये होता था कि फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिलते थे, एंड जो ट्रेडर्स हैं उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ई नैम लाया पिछले कुछ सालों में, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहाँ से आप ऑनलाइन इंडिया भर में किसी भी मंडी से ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड उस प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के बोला गया। अब जो बजट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, डेट हैज बीन ऑलमोस्ट डबल टू ₹1.38 लाख करोड़। लेकिन उस बजट में जो ज़्यादातर पैसा है, अराउंड 78,000 करोड़, इज फॉर अ सिंगल स्कीम, डेट इज प्रधानमंत्री किसान स्कीम। ठीक है, तो अब एक किसान स्कीम के अंदर क्या होना है? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹6,000 एनुअली टू एवरी लैंड ओनिंग हाउस होल्ड। ठीक है, तो जिस भी घर के पास लैंड है उसको ₹6,000 सालाना दिए जाएंगे खेती करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री किसान स्कीम है, एंड यहाँ पर जो है वो एसेंशियली जो है वो नेग्लेक्ट को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा इस एक आर्टिकल में एक और स्कीम मेंशनड है, डेट इज प्रधानमंत्री आशा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिस इज फुल फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री आशा इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ध्यान रखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एंड इसका एम क्या है? इट एम्स एट इंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, कि किसान को अपने फसल की अच्छी कीमत मिले उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एंड थ्री स्कीम्स डेट आर पार्ट ऑफ आशा आर, फर्स्ट वन इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, सेकेंड वन इज प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, एंड थर्ड वन इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन तीनों स्कीम्स को समझ लेते हैं। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या है कि अंडर PSS फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा विल बी डन बाई सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला सिस्टम था उसमें एसेंशियली जो फोकस था वो हमारा वीट एंड पल्सेस के ऊपर था, लेकिन जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है उसमें पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा को भी प्रोक्योर किया जाएगा। दूसरी जो स्कीम है दैट इज PDPS एंड प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, अंडर दिस द सेंटर प्रपोजेस टू कवर ऑल द ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कितना बजट दिया गया है उसको हाईलाइट किया गया है। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बजट है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 5%, एंड ज्यादा जो फोकस किया गया है वो साइबर सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, तो अब जब बजटरी एलोकेशन बढ़ा है तो आपके GS पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसको लेकर के तैयार रहिएगा कि हो सकता है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सके कि साइबर सिक्योरिटी को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो जो साइबर सिक्योरिटी का एलोकेशन है बजट, दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 6 करोड़ टू 100 करोड़। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रायोरिटी फॉर दिस गवर्नमेंट। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर सारी की सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस मेंशनड है, तो हम लोग इनको नोट कर लेंगे। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का टॉपिक जो है हमारा GS पेपर 3 में मेंशनड है अंडर द इंटरनल सिक्योरिटी। तो इनके क्या चैलेंजेस हैं और इनको क्या 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 रोल्स दिए जाते हैं, इनका क्या मैंडेट है, इसको लेकर के हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी क्योंकि पेपर में आज डिस्कशन में कम टाइम होता है, सम डे लेटर वी कैन मेक अ वीडियो एंटायरली ऑन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सो वी विल सी ओवर देयर इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो आज के लिए बजट में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बजट एलोकेशन है दैट हैज बीन इंक्रीज बाय 5%, फोकस किस पे है? डिसास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी पे। इसके बाद यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स, इनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 12.5%,
एंड अब जब इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि आप बाहर से अगर कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है, एंड दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12.5%. अब गोल्ड का जो है सीधा असर हमारा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट पे, ठीक है. तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है. ये मतलब हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में देख लिया, अब करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है. इट मींस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनकम्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो करंट अकाउंट डेफिसिट में आपके एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं एंड इंपोर्ट कितना कर रहे हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको मेजर किया जाता है. इंडिया में अमूमन करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजर इंपोर्ट आइटम है दैट इज ऑयल एंड गोल्ड, एंड ऑयल हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते अभी जब तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर या बहुत मैकेनिज्म ना आ जाए तब तक. तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा हाई रहा आता है, ठीक है. एंड इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स एक्सपोर्टेड एंड टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स इम्पोर्टेड, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में. एंड जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के दैट आर गोल्ड एंड क्रूड ऑयल. एंड जो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है तो उसका क्या नुकसान होता है? इट लीड्स टू करेंसी डिप्रिसिएशन, हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड इसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगती है, ठीक है. अगर किसी को भी पता है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है तो उसके कारण आपकी इकोनॉमी की वोलेटिलिटी पता चलती है, इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की, वो पता चलता है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगते हैं. तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है तो करेंसी डिप्रिसिएशन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, ठीक है. तो अभी इसको जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है तो इसके जरिए ये उम्मीद है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम होगा, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग प्राइसेस प्रीसेस मेटल्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई उसके बारे में. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू मिनिमम पब्लिक होल्डिंग. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है किसी भी लिस्टेड कंपनी में दैट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 25% टू 35%, ठीक है. तो पब्लिक कितना किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग कर सकती है उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है फ्रॉम 25% टू 35%. इसके जरिए क्या होगा, लोगों के पास जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में या यूजफुल तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है. पैसा आप घर में रखे रहो उसका कोई फायदा नहीं होता, एंड रेदर इट इज वेरी यूजफुल कि आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकें और उसका इकोनॉमी में कोई यूज आ सके. यहां पर एक बॉडी मेंशनड है सेबी को, क्योंकि ये काम दिया गया है कि इट विल लुक आफ्टर इट, तो उसको उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. सेबी कब बना था? सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12th April 1988 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. ये एट प्रेजेंट इट इज अ स्टेचरी बॉडी. इसका जो एक्ट है दैट इज सेबी एक्ट ऑफ 1992, उसमें इसको पावर दी गई है. एंड इट हैज इसका जो बोर्ड है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो बोर्ड है विच कंप्राइजेज ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 other members. तो इसमें टोटल 9 लोग होते हैं. और हम लोग ध्यान रखेंगे सेबी इज अ कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर, ठीक है. तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म डेब्ट दैट इज ओवर अ ईयर और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग सेबी एंड कैपिटल मार्केट के बारे में. इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है इस बजट में कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाया जाएगा, ठीक है. सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे एनजीओ जिनको पैसे की जरूरत है वो भी अब शेयर्स इशू कर सकते हैं एंड लोग उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो उसको बोला गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एंड दिस विल बी रेगुलेटेड बाई सेबी, ठीक है. तो सेबी के पास अब एक नया आइटम आ गया रेगुलेट करने के लिए, डेट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसके बारे में. इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स से रिलेटेड जो बजट में प्रपोज किया गया है उसको लेकर के है कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो विच वॉज लेवाइड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स वॉज ट्विक, ठीक है. तो उसको कम किया गया है, ठीक. तो यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में समझ लेते हैं. जब भी आप स्टॉक मार्केट से अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, ठीक है. तो उसको बोला जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. अगर आप उस ऑप्शंस मतलब शेयर खरीद के रख लेते हैं कई लोग, उसको फिर वो आप बेचते हो या फिर किसी और से खरीदते हो तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बोला जाता है, ठीक है. एंड तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में. यहाँ इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे रेलवेज को लेकर के दिया गया है, एंड बजट में प्रपोज किया गया है कि रेलवे शुड गो फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप.
क्योंकि बाय 2030 रेलवे विल नीड अराउंड 50 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की कितने की जरूरत है, 50 लाख करोड़ की, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास 50 लाख करोड़ नहीं होंगे, सो दे हैव पिस्ड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, सो रेलवे शुड गो फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एंड इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि टिल 2016 अ सेपरेट रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड। ठीक है, फ्रॉम 1921 टिल 2016 अ सेपरेट रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड, बट इन 2016 मोदी गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस एंड नाउ जनरल बजट एज वेल एज रेलवे बजट इज प्रेजेंटेड बाय द सेम फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, एंड रेलवे बजट का जो सेपरेशन है डेट वॉज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी इन 1921। तो ये हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन से फैक्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है बजट में कि अप टू 1.5 लाख का अगर आप लोन लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। तो उस एक लोन को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्योंकि मतलब उसका एक तो सबसे बड़ा कारण है कि पोल्यूशन कम होगा, दूसरा जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। एंड यहाँ पर एक स्कीम मेंशनड है फेम, दैट इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड इसमें जो इसका सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है, इन दैट द फोकस इज ऑन कॉमर्शियल व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके उसके ऊपर है। एंड नीति आयोग ने भी एक प्रपोजल दिया है कि फ्रॉम 2023 आपको इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हील वाले व्हीकल्स होते हैं उनके में सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा, एंड फ्रॉम 2025 जितनी भी बाइक्स हैं जो 150 cc से कम है दे ऑल विल बी अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रिक वर्जन। ठीक है, तो इसको लेकर के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी अपोज कर रहा है, बट दिस प्रपोजल हैज़ बीन मूटेड बाई नीति आयोग फॉर प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ध्यान रखेंगे। अब एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है वो दिया जा चुका है, एंड डेट वी हैव सीन कि उसमें खरीदार नहीं मिल रहे हैं, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू वन पावर वन नेशन वन ग्रिड स्कीम। तो पावर सेक्टर के लिए बजट में जो है वो प्रपोजल दिया गया है कि वन नेशन वन ग्रिड स्कीम का। ठीक है, कि सारी जगह पे जो पावर है वो डेट कुड बी सप्लाइड एट द सेम रेट एंड कुड बी सप्लाइड 24/7। यहाँ पर एक स्कीम मेंशनड है उदय स्कीम, उसके बारे में देख लेते हैं। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था इट वॉज मेंट फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, तो डिस्कॉम्स को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके उसको लेकर के ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे उदय स्कीम के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर जो हमारी न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवे ग्रिड। तो बजट में प्रपोज किया गया है कि नेशनल हाईवे ग्रिड बनाया जाएगा, एंड उसकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं, बट एक गैस है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट वुड कनेक्ट 12 मेजर पोर्ट्स, 45 आउट ऑफ 53 मिलियन प्लस सिटीज एंड 26 स्टेट कैपिटल्स अपार्ट फ्रॉम लिंकिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, तो नेशनल हाईवे ग्रिड बनाया जाएगा इन सारी सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक स्कीम मेंशनड है भारतमाला, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो भारतमाला इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड इट envisages कंस्ट्रक्शन ऑफ 34,800 किलोमीटर ऑफ रोड्स। ठीक है, तो 34,800 किलोमीटर की रोड बननी है, एंड among दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर विल कंप्राइज ऑफ 9,000 किलोमीटर, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड 6,000 किलोमीटर, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट 5,000 किलोमीटर, बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर, एंड कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी ऑफ 2,000 किलोमीटर, एंड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऑफ 800 किलोमीटर। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट में एसेंशियली हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा अलॉन्ग बॉर्डर एरियाज, कोस्टल एरियाज, पोर्ट्स, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अनाउंसमेंट की है बजट में उसको लेकर के है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए 50 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं, एंड इसका प्रमोशन कैसे किया जाएगा, इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वहाँ पे हिंदी टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जा सके ताकि हिंदी पढ़ाई जा सके, उसको लेकर के 50 करोड़ का प्रपोजल दिया गया है। ठीक है, एंड थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है,
Essentially, it was proposed in the National Education Policy of 1968, under which students will be taught English, mother tongue, as well as Hindi in non-Hindi speaking states, and one of the southern languages or any modern Indian language in the नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में. एंड इसको लेकर के अभी जो नया ड्राफ्ट आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी सजेस्ट किया गया है कि दिस शुड बी इंप्लीमेंटेड, एंड उसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं. ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में. अब यहाँ पर वाटर स्कीम से रिलेटेड न्यूज है कि क्योंकि अभी वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जल जीवन मिशन है उसके लिए कोई फंड अलग से नहीं दिया है. रेदर जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्कीम्स हैं या स्टेट की स्कीम्स हैं, उन्हीं के जरिए फंड का यूज करके जल जीवन मिशन को प्रमोट किया जाएगा. अब जल जीवन मिशन क्या है? इट एम्स टू सप्लाई टू ऑल पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स बाई 2024. तो बाई 2024 सारे के सारे जो गाँव में घर हैं उनको जो है वो पाइप्ड वाटर सप्लाई कैसे दिया जा सके, उसको लेकर के जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में ध्यान रखेंगे. अब यहाँ पे गंगा क्लीनअप को लेकर के न्यूज़ है कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसका जो बजट है वो कम कर दिया गया है. ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा. ये क्या है? इट इज़ अ बॉडी फॉर क्लीनिंग अप ऑफ गंगा एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. अर्लियर जो है वो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बॉडी थी. अभी जो है वो नेशनल गंगा काउंसिल उसको उसके जो मिशंस आते हैं उनको इंप्लीमेंट करती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. एंड इट हैज टू टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर विच कंप्राइजेज ऑफ गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज एंड इन दोनों का जो हेड है इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इसकी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे. यहां पर जो गंगा क्लीनिंग को लेकर के बजट था दैट हैज बीन रिड्यूस्ड. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू गांधी पीडिया एंड गवर्नमेंट ने जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स हैं दे हैज सेड डेट कि वी वुड लॉन्च गांधी पीडिया. यहाँ पर जो है क्योंकि 2019 मार्क्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, तो गांधी की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूथ के बीच में प्रमोट करने के लिए इस एक गांधी पीडिया को लॉन्च किया जा रहा है. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हेल्थ सेक्टर के ऊपर. ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है उसको लेकर के था कि ठीक है, सो वी कैन स्किप इट. अब जो हमारा आज का एडिटोरियल है डेट हैज़ बीन रिटन ऑन बजट एंड यहाँ पर जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं NBFCs, बैंक्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन्हीं सब के ऊपर फोकस किया गया है. जो पहला आर्टिकल है आज का डेट इज अ क्रिटिक ऑफ द बजट प्रेजेंटेड यस्टरडे एंड इनका जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये बजट जो है वो इलेक्शन ही स्पीच का पार्ट लगता है. इट्स अपीयर्स एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग. सेकेंड इज कि इट इज़ हाई ऑन एम्बिशन एंड लो ऑन सब्सटेंस. तो आपने टारगेट तो कर लिया है कि हमको $5 trillion इकोनॉमी बनाना है, बट कैसे बनाएंगे इसको लेकर के बजट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, आप फिस्कल डेफिसिट आप कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट खुद बढ़ा नहीं रही है, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, तो आप $5 trillion इकोनॉमी कैसे बनोगे इसको लेकर के इसमें क्रिटिसिज्म दिया गया है. एंड थर्ड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज फॉल इन स्पेंडिंग इन सोशल सेक्टर. तो जो सोशल सेक्टर में जितना इन्वेस्ट करना चाहिए उससे कम गवर्नमेंट या बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा है उसका जो बजटरी एलोकेशन है वो कम किया गया है. तो जो सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग है वो कम है इसको लेकर के बजट को क्रिटिसाइज किया गया है. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल से ध्यान रखेंगे. जो दूसरा आर्टिकल है डैट इज रिटन इन द प्रेज ऑफ दिस बजट कि बजट जो है वो बहुत अच्छा बजट है, इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टर्म व्यू और इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म पेन को एम्फेसाइज किया गया है, बट इन द लॉन्ग टर्म अवर इकोनॉमी विल ग्रो एंड दिस बजट हैज़ राइट ऑथर ने बोला है कि दिस बजट हैज़ राइटली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल एम्पावरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा जो रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड रूरल सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो इनकम ट्रांसफर्स की जगह जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज़ ऑन बूस्ट डबलिंग द फार्मर्स इनकम. एंड फार्मर्स इनकम को कैसे डबल करने का फोकस किया जा रहा है दैट इज़ बाई फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडिशन कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे उसमें वैल्यू एड करके अच्छे प्राइसेस पे बेचा जा सके उसके ऊपर रूरल सेक्टर में फोकस किया गया है. तीसरा जो उन्होंने प्रेस किया है कि गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग बाई फोकसिंग ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन क्योंकि अगर आप फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे एंड आपका फिस्कल डेफिसिट कम होगा सो यू विल हैव मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर्स तो वो एक अच्छी चीज़ है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. एंड इसके अलावा जो इन्होंने सजेस्ट किया है
कि स्वच्छ भारत अभियान एंड उजाला स्कीम के ऊपर जो फोकस है डेट इज वेरी गुड, जो बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया गया है डेट इज वेरी गुड, एंड इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है 1.05 लाख करोड़ का वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो ट्रैक्स ट्रांसपेरेंसी बाई फेसलेस ई असेसमेंट आएगी वो भी इस इनिशिएटिव को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है एंड प्रेज किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे आज के आर्टिकल से। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नाउ कम टू द पेज नंबर, नेक्स्ट पेज द पेज नंबर 16। हियर वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, एंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि एस जयशंकर किस राज्य से चुन के आते हैं, फ्रॉम गुजरात, ही हैज बीन इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर एस जयशंकर के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है डेट इज वर्ल्ड पेज, एंड यहां पर जो 4th of July है डेट इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंस डे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये ध्यान रखेंगे जो लोग वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 4th of July इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। एंड सेकेंड जो न्यूज़ है वो हमारी सूडान से रिलेटेड है, एंड यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविल प्रोटेस्टर्स, कि जो लोग चाहते थे कि वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट हो, उनके बीच में एक डील साइन हुई है, एंड अंडर दिस डील कि फॉर द 3 years and 3 months द कंट्री विल बी लेड बाई अ कमिटी विच कंप्राइजेज ऑफ 11 मेंबर्स, उसमें टोटल 11 लोग होंगे, 5 मिलिट्री की तरफ से, 5 सिविलियन प्रोटेस्टर्स की तरफ से, एंड 1 मेंबर विल बी अ न्यूट्रल मेंबर विच विल बी अपॉइंटेड बाई बोथ, ठीक है। तो अब ये मिल करके सूडान को आने वाले समय में चलाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग सूडान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ लोकेटेड है। इट इज अ कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका विच इज बॉर्डर्ड बाई इजिप्ट टू द नॉर्थ, रेड सी टू द नॉर्थ ईस्ट, एरिट्रिया टू द ईस्ट, इथोपिया टू साउथ ईस्ट, एंड साउथ टू सूडान टू साउथ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक टू साउथ वेस्ट, चाड टू द वेस्ट, एंड लीबिया टू द नॉर्थ वेस्ट। एंड रिमेंबर दैट कि सूडान इज द 3rd largest कंट्री इन अफ्रीका, एंड इसकी जो कैपिटल है डेट इज खारतूम, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट नाइल। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर सूडान के बारे में। इसके दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड, ये आज का डिस्कशन था। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन, एंड हम लोग क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे गए थे शुरुआत में। सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज बी, एन एरिया केप्ट फ्री ऑफ लाइट पॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी, टू सजेस्ट अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। थैंक यू।